राधे राधे दोस्तों। तो जीवितिया का जो एक कथा है जो व्रत में सुना जाता है वो है चीलों सियारों की कथा। तो वो कुछ ऐसे है कि एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से वो सियारन को ज़रूर देती थी थोड़ा सा। सियारन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे, दोस्ती आ रही थी। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीवितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी, तो उसमें चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वो लोग भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जीवितिया का व्रत रखा बड़ी निष्ठा और लगन से। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करता व्रत भी कट रही थी। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। सियारन ने कहा कि बहन, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे, उसके वजह से मैंने मांस खा लिए। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारन लजा गई, वह व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। उसके अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन हुई जो कि उसकी शादी एक मंत्री के पुत्र से हुआ। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे जो भी होते थे वो हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया। वह कभी शीस मिठाई बन जाती थी। वह बच्चों को अगर कुछ हानि पहुंचाने का काम करती थी तो वो फूल बनकर ही उसके सामने आता था, क्योंकि उसने तो पिछली जन्म में व्रत अच्छे से किया था। तो ये जो सियारन थी उसने चीलों के बच्चों को मारने की बहुत कोशिश की। आखिरकार देव योग से उसे भूल कर उसे आभास हुआ कि उसने जो पिछली जन्म में जो कर्म किया था उसका फल उसे अभी मिल रहा है। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। तो ये है जीवित पुत्रिका का पहला कथा, जो कि कुछ इस प्रकार था। जीवित पुत्रिका में हम लोग यानी जो जीवितिया होता है उसमें हमें शिव जी का, पार्वती जी का और गणेश जी का पूजा करना चाहिए। और अगर ये व्रत नहीं हो रहा है तो संकल्प न लें, वरना ये अगर संकल्प ले रहे हैं तो अच्छे से निभाए। क्योंकि देखो, ये अगर व्रत नहीं होता है, ये तो बेटे के लिए होता है, तो अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसके भी जिम्मेवार हम सभी होते हैं। इसलिए अगर कुछ भी करना है तो सोच समझ के करें। थैंक यू।